हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है या फिर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि आप उस चैनल से कैसे पैसे कमा सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे अपने चैनल से पैसे कमा सकते हैं, जिसके लिए हमें अपने वीडियोज को मोनेटाइज करना होता है। ये मोनेटाइजेशन होता क्या है, इसे कैसे इनेबल करते हैं, मैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपको नहीं पता है कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप पहले उसे देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं कंसल्टी आरके चैनल। सबसे पहले हम YouTube ओपन कर लेंगे, उसके बाद साइन इन करके हम अपना YouTube चैनल ओपन कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मेरा कंसल्टी आरके चैनल ओपन हो गया है। उसके बाद YouTube स्टूडियो बीटा पे क्लिक करके हम अपने चैनल के क्रिएटर स्टूडियो पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा चैनल का क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो गया है। तो गाइज, अभी हमारा डैशबोर्ड ऑप्शन ओपन है। हमें अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए अदर्स फीचर्स के स्टेटस एंड फीचर्स ऑप्शन पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अपने चैनल का स्टेटस एंड फीचर ऑप्शन ओपन हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना चैनल वेरीफाइड नहीं कराया है तो आप सबसे पहले उसको वेरीफाई करा लें, तभी आपका मोनेटाइजेशन का ऑप्शन इनेबल होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने चैनल को वेरीफाइड करा रखा है, तो ये पार्टनर वेरीफाइड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम मोनेटाइजेशन ऑप्शन में जाएंगे और इनेबल पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ वन बाय वन सारे ऑप्शन को इनेबल करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को इनेबल करेंगे, जो कि है रीड एंड एग्री टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। तो हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के सारे टर्म्स एग्री कर लेंगे, उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि अपना पहला ऑप्शन इनेबल हो गया है। उसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, जो कि है साइन अप फॉर एडसेंस। तो यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एडसेंस होता क्या है। तो ये एडसेंस एक गूगल का प्रोडक्ट है, जिसके थ्रू ही हम अर्निंग करते हैं। तो गाइज, ये एडसेंस काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है, जब हम अपने चैनल पे वीडियोज अपलोड करते हैं तो आपने देखा होगा वीडियोस पे ऐड आते हैं। तो जब हमारी ऑडियंस उन ऐड को देखती है, उन एड्स पे क्लिक करती है, तो उसके थ्रू हमें पैसा जनरेट होता है, जो कि ये एडसेंस के अकाउंट में जाता है। तो जब उस एडसेंस के अकाउंट में लमसम अमाउंट ऐड हो जाता है, तो गूगल एडसेंस हमारे अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देता है। ऐसे हमारी अर्निंग होती है। ये एडसेंस और यूट्यूब एक दूसरे से ऐसे ज्वाइंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये एडसेंस होता है, इसी एडसेंस के थ्रू हम यूट्यूब पे अर्निंग करते हैं। तो अब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट है तो आप उसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई भी अकाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एडसेंस अकाउंट ओपन करने के लिए हमें एक जीमेल की आईडी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये वही आईडी होगी जिससे आपने अपना यूट्यूब का अकाउंट ओपन किया होगा। तो हम एडसेंस का अकाउंट ओपन करने के लिए भी वही आईडी यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरी एग्जिस्टिंग आईडी आ रही है, तो मैं भी अपनी वही आईडी ले लूंगा जिससे मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट ओपन किया था। तो अभी आप देख सकते हैं ये गूगल एडसेंस साइन अप का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो अभी देख सकते हैं ये हमारे जीमेल अकाउंट से ओपन हो गया है। आप यहाँ दूसरे अकाउंट से भी ओपन कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहते हैं। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ये योर वेबसाइट, ये हमारे चैनल का यूआरएल है, चैनल का वेबसाइट है, जो कि हमें एडसेंस के अकाउंट में लिंक करना होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लिंक हो गया है। उसके बाद नीचे ऑप्शन देख सकते हैं गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। अगर आप एडसेंस के सजेशंस और परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने ईमेल में, तो आप यहाँ यस ऑप्शन चूज कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे इंडिया ले लेंगे। उसके बाद हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर क्रिएट अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हो गया है। ये गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड है। उसके बाद हमें अपनी यहाँ पे पेमेंट एड्रेस डिटेल देनी होगी। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अपनी सारी एक्यूरेट डिटेल्स देंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे एडसेंस अकाउंट में कुछ डॉलर्स आ जाएंगे, तो गूगल एडसेंस उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक ओटीपी भेजता है, जो हम एड्रेस यहाँ पे देंगे उसी एड्रेस पे एक लेटर आता है। तो उस लेटर में एक ओटीपी होता है, तो वो हमें लिंक करना होगा बाद में यूट्यूब में। तो इसलिए हमें एक्यूरेट एड्रेस और अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। तो पहला ऑप्शन आ रहा है अकाउंट टाइप, ये ऑप्शन है, इसमें आप इंडिविजुअल और बिजनेस का ऑप्शन है। तो मोस्टली हम इंडिविजुअल ही रखते हैं, बिजनेस ऑप्शन उनके लिए है जिनका बिजनेस होता है। तो मोस्टली हम इंडिविजुअली यूट्यूबर्स इंडिविजुअली अकाउंट टाइप रखते हैं। उसके बाद नेम ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना नेम ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना रुपेश कुमार नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद हम एड्रेस देंगे, तो आपको यहाँ पे एक्यूरेट एड्रेस देना है, जो आपका एक्यूरेट एड्रेस हो। बट मैं आपको यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, इसलिए मैं सिंपल लखनऊ दे रहा हूँ। उसके बाद सिटी आप ले लोगे, जो आपकी सिटी है, मेरी लखनऊ सिटी है, तो मैंने लखनऊ ले लिया। उसके बाद जो आपका एरिया का पोस्ट कोड होगा,
वो आप पोस्ट कोड ले लोगे। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल में आप अपने एरिया का नाम देके पिन कोड लिखेंगे तो वहाँ पे आपके एरिया का पिन कोड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ से आप अपना पिन कोड कॉपी करके आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद हम अपना स्टेट ले लेंगे, मेरा उत्तर प्रदेश है तो हम ये अपना स्टेट ले लेंगे। उसके बाद आप फोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, रीडायरेक्टिंग यू टू योर होस्ट। तो ये अभी हमें हमारे होस्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है, जो कि लिखा हुआ है इसके लिए फ्यू सेकंड लगेंगे। अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आप रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके होस्टिंग पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा ये ऑटोमेटिक। तो अभी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो गया है और हमें अपने यूट्यूब चैनल पे भेज दिया इसने। तो अभी आप देख सकते हैं ये एडसेंस ऑप्शन इनेबल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एडसेंस सेटिंग, एसोसिएट एडसेंस अकाउंट। तो हम एसोसिएट एडसेंस अकाउंट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे एडसेंस अकाउंट की आईडी आ रही है, स्टेटस आ रहा है और डेट एसोसिएटेड आ रहा है। तो स्टेटस अभी पेंडिंग है, जो कि 1 or 2 days में ये कंफर्म कर देगा गूगल एडसेंस की तरफ। जैसे कंफर्म होगा तो यहाँ पे एक्टिव ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम एडसेंस सेटिंग में जाएंगे, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एडसेंस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये एडसेंस का अकाउंट है, यहाँ पे हम एडसेंस रिलेटेड अपनी सारी सेटिंग कर सकते हैं कि किस तरह का एड्स हमारे वीडियोस में शो करे, या जो भी एडसेंस के अकाउंट में सेटिंग या चेंजेस जो भी करना है तो हम यहाँ पे आके कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, सेट मोनेटाइजेशन प्रेफरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि किस तरह के एड्स आप चाहते हो अपने वीडियोस पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे ऑप्शंस को क्लिक करके रखो ताकि मैक्स से मैक्स एड्स आपके वीडियोस में दिखें। उसके बाद आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस ऑप्शन को आप इनेबल रखोगे ताकि आप जब मोनेटाइजेशन इनेबल हो तो आपके जो पुराने वीडियोज हैं उस पे भी आपका एडसेंस एक्टिव हो जाए, मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाए। उसके बाद हम सेव कर देंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा ये ऑप्शन भी इनेबल हो गया है। उसके बाद लास्ट फोर्थ ऑप्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अभी तक हमने क्या किया है कि मोनेटाइजेशन ऑन करने के सारे अकाउंट्स और सेटिंग्स किए हैं, बट उसके बाद भी यूट्यूब ने अपनी एक पॉलिसी बना रखी है, उसके बाद ही आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा, जो कि 2018 जनवरी के बाद यूट्यूब ने पॉलिसी चेंज की थी, जो कि ये है कि आपके चैनल में 4000 आवर्स का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पिछले 12 मंथ में होने चाहिए, तभी आपके चैनल में मोनेटाइजेशन ऑन होगा। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे चैनल में 0 आवर्स का वॉच टाइम है, 0 सब्सक्राइबर है। जैसे ये बढ़ेंगे, कंप्लीट होंगे, इनके क्राइटेरिया को हम फिल करेंगे तो हमारा मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिक ऑन कर दिया जाएगा हमारे चैनल पे और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारा सेटअप होता है मोनेटाइजेशन को इनेबल करने का अपने चैनल पे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। उसके अलावा अभी आपका मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।